एग्जाम की डेट पास में आ रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, पढ़ाई अच्छे से नहीं की, टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। दोस्त एक बात बताओ, तुम अभी भी खुद का नहीं बल्कि पढ़ाई का ही कसूर निकाल रहे हो, पढ़ाई को ही कोस रहे हो। यार किसने बनाई है पढ़ाई, इतना पढ़ना क्यों पड़ता है? चलो पढ़ना पड़ता है लेकिन इतना पढ़ने में जोर क्यों आता है? अब तो एग्जाम को थोड़े ही दिन बचे हैं, क्या पढ़ू और क्या समझू और एग्जाम में क्या लिख कर आऊँ। लेकिन दोस्त अब मैं तुझे बताता हूँ कि थोड़ा टाइम क्यों बचा है। तुम्हारे पास भी फुल टाइम था पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास में भी उतना ही टाइम था जितना एक टॉपर को मिला है, उस टॉपर को भी उतना ही डर लग रहा है जितना कि आज तुम्हें लग रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उस टॉपर को डरेगी मैं 95% से कम ना ले आऊँ, और तुम्हें डरेगी यार मैं फेल ना हो जाऊँ, क्योंकि उस टॉपर ने अपना पूरा साल पढ़ाई पर कुर्बान कर दिया है, अपना पूरा साल पूरे दिन पूरा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन तुमने तो पूरा साल सिर्फ इसी बहाने से निकाल दिया कि कल पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हें घंटों घंटों तक मोबाइल चलाना था, दोस्तों के साथ बाइक पर घूमना था, जी के साथ घंटों घंटों चैट पर बातें करनी थी, फोन देखकर मास्टरबेट करना था, इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर रील डालनी थी, आलस की वीडियो में जकड़कर घंटों घंटों तक सोना था, बिना कुछ सोचे समझे टाइम वेस्ट करते रहे। कल पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, रात को तो पक्का ही पढ़ूंगा, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि माँ बाप है ना तुम्हें खिलाने और पढ़ाने को, हर चीज अवेलेबल कराने को, सब कुछ तो मिल ही रहा था बैठे बैठाए, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा, अब तो मुझे गाली देने का भी मन कर रहा होगा क्योंकि तुम बोलोगे यार जी मोटिवेशन दे रहा है फिर ताने मार रहा है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त, अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी भी कुछ दिन कुछ महीने बाकी है, अभी भी सीरियस रहो पढ़ाई को लेकर, अभी भी पढ़ना चालू कर दो, एग्जाम नजदीक है तुम्हारे पास दिन थोड़े हैं, बहाने बताना बंद करो, क्योंकि बहाने तो तुम ना पढ़ना तो चालू करो, अब देख चमत्कार होगा। हाँ सही कहा मैंने, वो चमत्कार तुम ही करने वाले हो और तुम लोगों को सरप्राइज भी करने वाले हो, क्योंकि असली विलन की एंट्री आखिर में ही होती है और तुम वही विलन हो। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, अपने माँ बाप के सपनों को रियलिटी में बदलना है, तेरे हर सपने हर गोल्स को अचीव करना है। तुझे बदला लेना उन लोगों से जिन्होंने बोला था कि ये क्या कर सकता है, इसके उसका तो कुछ भी नहीं है, जितनी भी बेइज्जती हुई है उन सबका बदला लेना है, इन सब लोगों के मुंह पर सक्सेस का तमाचा मारना है, इसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट बनकर नहीं बल्कि जिद्दीबाज बनकर पढ़ना पड़ेगा। जितने भी दिन एग्जाम को बचे हैं ना, इतने दिन गायब हो जाओ, छुप जाओ अपने कमरे में, कड़ी पार हो जाओ एग्जाम के आखिरी दिन तक। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुझे पीछे हट जाना है, इसका मतलब ये है कि जब शेर दो कदम पीछे लेता है ना, तब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो डर गया है, बल्कि अब वो टूट पड़ने वाला अपने शिकार को और फाड़ देने वाला अपने शिकार को, और तुम भी शेर से कम नहीं हो। अब तुझे भी कुछ दिनों के लिए गायब होकर एग्जाम हॉल पर टूट पड़ना है, इसके लिए तुझे तैयारी आज से और अभी से करनी पड़ेगी, एक सेकंड में पूरे दिन के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हर उस चीज का जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो दोस्त हो या फिर मोबाइल, चाहे नींद हो या पापा की परी। इतना जिद्दी बनकर पढ़ो कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में कोई भी ना पाए, खुद को मन से सुपर वुमन बना डालो। अभी भी तेरे पास में मौका है अपनी असली औकात दिखाने का, अपनी असली ताकत दिखाने का, जो भी अपना सब कुछ पढ़ाई में, तुम बस पढ़ना तो चालू करो, तुम कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, क्योंकि तुम सब कुछ हो, विलन हीरो शेर स्टूडेंट, तुम वक्त आगे कोई भी कैरेक्टर इंस्टॉल कर सकते हो। अब वक्त आ गया चूज करने का, अब वक्त आ गया पढ़ने का, अब आप पढ़ने के लिए कौन सा कैरेक्टर इंस्टॉल करने वाले हो, आप कमेंट में सबके साथ शेयर कर सकते हो। अगर मेरी इस वीडियो से तुम्हारा थोड़ा भी खून खोला है, थोड़ा भी माइंडसेट चेंज हुआ है, थोड़ी भी पढ़ाई की याद लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे शब्दों में कितनी ताकत है। मुझे इंतजार रहेगा आपके रिएक्शन का। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।